तो दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट टू में देखा कि ब्रूनो अपनी दादी को उस गंदी चुड़ैल की सारी करतूतों के बारे में बता देता है, और बाद में ब्रूनो अपनी दादी को बताता है कि वो गंदी चुड़ैल हमारे फ्लोर के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर ही रहती है और मैं वहाँ से आसानी से वो जादुई दवा ला सकता हूँ। और वहाँ से ब्रूनो बड़ी सफाई के साथ वो जादुई दवा चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी दादी उसे वापस टोकरी में बिठाकर ऊपर खींचती है, तभी वो गंदी चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन दादी उसे बातों में फंसाकर ब्रूनो को ऊपर खींच लेती है। और फिर जब रात को उन चुड़ैलों के लिए जो स्पेशल सूप बनने जा रहा था, दरअसल ब्रूनो उसके अंदर वो सारी जादुई दवा डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सभी चुड़ैलें डाइनिंग टेबल पर आके वो सूप पीने लगती हैं, तभी वो एक एक करके सारी की सारी चूहों में बदल जाती हैं। लेकिन वो गंदी चुड़ैल सूप न पीने के कारण बच जाती है। फिर ब्रूनो अपनी दादी के साथ उस चुड़ैल के कमरे में आ जाता है, लेकिन तभी उनके पीछे से वो गंदी चुड़ैल भी आ जाती है। फिर वे सभी मिलकर बड़ी ही शातिर प्लानिंग के साथ उस चुड़ैल को भी चूहे में बदल देते हैं। पार्ट 1 और 2 की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी।